नमस्ते दोस्तों, संकल्प स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हो संकल्प स्टूडियो। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कैसे करते हैं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। हैंगिंग मैन एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और वो हमेशा अप ट्रेंड में चार्ट के टॉप पर बनता है, और जब भी चार्ट पर बनता है तो यह संकेत देता है कि अब तेजी का समय समाप्त होने वाला है और मंदी की शुरुआत होने वाली है। हैंगिंग मैन पैटर्न में उसकी बॉडी की तुलना में उसकी शेडो डबल या उससे ज्यादा होती है, और इस पैटर्न में कैंडल के कलर का कोई महत्व नहीं होता है, चाहे वो रेड बने या ग्रीन बने, दोनों ही बेरिश कैंडल मानी जाती है और दोनों एक ही तरह का काम करती है। पर यह मंदी को दर्शाने वाली कैंडल है तो वो रेड हो तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। हैंगिंग मैन जब भी चार्ट पर बनता है तो आप हमेशा यह बात का ध्यान रखिए कि वो हमेशा अप ट्रेंड वाले चार्ट में टॉप पर बना हुआ होना चाहिए, और हैंगिंग मैन का जो ओपन प्राइस है वो पिछली कैंडल के क्लोज प्राइस के बराबर या उसके ऊपर होना चाहिए, तभी हैंगिंग मैन अच्छी तरह काम करेगा। मान लीजिए कल यहाँ चार्ट पे हैंगिंग मैन बना था और आज भाव कल के क्लोज के नीचे खुलता है या गैप डाउन खुलता है, तो हमारे लिए यह एक कंफर्मेशन है कि अब इस स्टॉक में सेलिंग करनी चाहिए। हैंगिंग मैन का उपयोग किसी भी टाइम फ्रेम के लिए किया जा सकता है, चाहे वो इंट्राडे चार्ट हो या डेली चार्ट हो। तो आइए अब हम इसे चार्ट पर देखते हैं कि इसमें ट्रेडिंग किस तरह की जाती है। तो यहाँ चार्ट में हैंगिंग मैन बना हुआ है और अगली कैंडल गैप में खुली है, तो अब हमें इसमें ट्रेडिंग करने के लिए हमें हैंगिंग मैन के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और जब स्टॉक पिछली दो कैंडल के लो के नीचे या हैंगिंग मैन के लो के नीचे क्लोज हो तब यहाँ सेलिंग की एंट्री लेनी होगी, और जब तक स्टॉक में कोई ट्रेंड चेंज करने वाला सिग्नल ना आए तब तक अपने पोजिशन में बने रहना चाहिए, और अगर आपको कोई ट्रेंड चेंज करने वाला सिग्नल दिखे तो तुरंत अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ट्रेंड चेंज करने वाला सिग्नल किस तरह पहचाना जाता है उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारा कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसका जानकारी मिल जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सुझाव और सवाल हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने संकल्प स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद।